नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं राम फास्के और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। और मैं आपके लिए आज अपना टॉपिक है प्रोक्योरमेंट, रिसीविंग, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, कोडिंग, इश्यूएंस, यूसेज, रिट्रायवल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाइज एंड पंचेस इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग में हम पंचेस एंड डाइज का प्रोक्योरमेंट, मतलब कैसे खरीदना है, कैसे रिसीव करना है, उनका क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, कोडिंग, इश्यूएंस, यूसेज, रिट्रायवल, स्टोरेज और खराब हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से करते हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्किप मत करिएगा दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि पूरी चीजें आपके समझ में आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज ट्यून ऑन। तो सबसे पहले इसमें प्रिकॉशंस क्या-क्या है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये प्रिकॉशंस में हमको क्या-क्या करना है। यूज द पीपीज ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ डाइज एंड पंचेस। पीपीज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब कि गॉगल पहनना है, हैंड ग्लोव्स पहनना है, ठीक है ना। हैंडलिंग हैंडल द डाइज एंड पंचेस केयरफुली ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जब भी आप करोगे तो हैंडल करना है। तो दोस्तों ये केयरफुली हैंडलिंग करने का क्यों लिखा होगा, क्या रीजन हो सकता है? तो ये अगर पंच या डाइस, अगर पंच गिर गया तो इसकी टिप डैमेज हो सकती है, ठीक है, स्क्रैचेस आ सकते हैं। इसके लिए हैंडल डाइस और पंचेस केयरफुली ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, अवॉइड टचिंग ऑफ डाइस एंड पंचेस सरफेस विद एनी टाइप ऑफ शार्प मेटालिक ऑब्जेक्ट। इसमें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शार्प मेटालिक ऑब्जेक्ट। इसका क्या मीनिंग होगा, अगर आपका कोई भी शार्प अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, स्पैनर है ना, इससे या कोई रॉड है, हैमर है, इससे अगर पंच का टिप लगता है तो आपके पंचेस का टिप जो है वो डैमेज हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है। इसके लिए इसको आपको जो शार्प सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स है उनको इससे दूर रखना है। चेक एंड इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज एज इन द इंस्पेक्शन एक्टिविटी शुड बी कैलिब्रेटेड। जो भी आप इंस्पेक्शन में यूज करोगे वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए। इनके पास आप जब भी कैलिब्रेशन करो, इंस्पेक्शन करोगे, उससे पहले जो भी आपका इंस्पेक्शन किट में इंस्ट्रूमेंट्स है वो सभी कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उनका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, चेक द इंश्योर क्लीनिंग ऑफ पंचेस पंच इंस्पेक्शन किट। जो पंच इंस्पेक्शन किट आप यूज करोगे उसका क्लीनिंग प्रॉपरली होना जरूरी है, वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ डाइज एंड पंचेस। आपके एरिया में जो भी पंचेस, जो कॉम्प्रेशन टूल्स है पंच डाइज एंड पंचेस, उसका प्रोक्योरमेंट मतलब आप खरीदे कैसे खरीदोगे, किस तरह से खरीदना है। इन केस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट रिसीव अप्रूवल ड्रॉइंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड बाय टूलिंग मैन्युफैक्चरर फॉर कस्टमर अप्रूवल। अगर आपके पास ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको उसकी उस नए पंच का फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइंग है, पंच का ड्राइंग जो मैन्युफैक्चरर है उससे, या कोई आपका थर्ड पार्टी है या जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप बना रहे हो उससे आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है। जो सबसे मेन है कि उस पंच का ड्राइंग आपको वहां से मंगवाना है। दोस्तों मैनेजर प्रोडक्शन और डिजिग्नी शाल चेक द डिटेल्स स्पेसिफाइड ऑन ड्राइंग ऑफ अप्रूवल फॉर द सेल। जो भी मैनेजर है या आपका वहां का सीनियर पर्सन है वो
जो ड्राइंग वहां से आई है उसको चेक करेगा, ठीक है, अप्रूव करेगा। बाद में ऑफिसर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शैल रेज द रिक्विजिशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू पर्न सेट एज पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन आफ्टर अप्रूवल ड्राइंग। पहले आपको जिस मैन्युफैक्चर से बनवाना है उस मैन्युफैक्चर से ड्राइंग लेनी है, प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, अपर पंच में क्या है, लोअर पंच में क्या है, नंबर नंबर ऑफ पंच सेट कितने चाहिए, टाइप ऑफ पंच सेट, टाइप ऑफ टूलिंग कौन सी है, ठीक है, एमओसी क्या क्या लगेगा, कोटिंग उसकी है क्या, फिर अपर पंच में स्पेसिफिकेशन क्या है, लोअर पंच का कितना स्पेसिफिकेशन है, ये सभी आपको पूरा डिटेल्स में लेना है, ड्राइंग को अपलोड करना है। उसके बाद आपको वो जो ड्राइंग अप्रूवल होने के बाद फिर पंच को पीओ रेज करना है, ठीक है, परचेस ऑर्डर रेज करना है। रिक्विजिशन फॉर द परचेस ऑफ डाइज एंड पंचेस शैल बी जनरेटेड एज पर द स्पेसिफिकेशन डिटेल डिस्क्राइब इन एनेक्सर। यहां मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये एनेक्सर है। ये एनेक्सर में आपको यहां दिया है डिटेल्स ऑफ पंचेस एंड डाइज स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोक्योरमेंट, किस डेट में आपको पीओ रेज करना है, प्रोडक्ट नेम कौन से प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो ड्राइंग आपने पास की है वो ड्राइंग नंबर यहां लिख देना है, कंप्रेशन मशीन कौन से मशीन के लिए चाहिए, मेक एंड मॉडल उस मशीन का मेक और मॉडल यहां लिख देना है, क्वांटिटी ऑफ पंसेट कितने चाहिए आपको, 27 स्टेशन के लिए चाहिए तो 30 लोगे, 31 के लिए चाहिए तो आप 40 का सेट करोगे या कम से कम 36 का करोगे, टाइप ऑफ टूलिंग 51 के लिए चाहिए तो 55 का करोगे, 65 के लिए चाहिए तो 70 का सेट ऑर्डर करोगे, कौन सी टूलिंग है, बी है, डी है, बीबी है, पंच टिप साइज डायमेंशन क्या है, 9.0 mm फॉर एग्जाम्पल या 11.5 × 5.5, ऐसा इस तरह से पंच टिप शेप राउंड शेप में है, कैप्सूल में है, इस तरह से पंच टिप प्रोफाइल अपर पंच प्लेन है, ब्रेक लाइन है, एम्बॉसिंग है, ठीक है, ये सभी आपको यहां लिख देना है। पंच टिप प्रोफाइल लोअर पंच, लोअर पंच में क्या है, प्लेन है, एम्बॉसिंग है, कोई लेटर्स है, ये सभी आपको यहाँ लिख देना है। डाई बोर साइज, जो डाई है आपकी पंच पंच की, उसको डाई बोर में क्या साइज रहेगी, फिर वो जो पंच की डायमेंशन है वही डाई बोर साइज होगी। फिर बाद में मशीन डिस्क्रिप्शन, मशीन का मेक मॉडल या डबल रोटरी, इस तरह से आपको मशीन डिस्क्रिप्शन देना है। सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे आपको, एमओसी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, अगर कोटिंग है तो उनका सर्टिफिकेट्स लगेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगेगी, ये सभी आपको यहाँ मेंशन कर देना होता है। फिर बाद में यहाँ है चेक्ड बाय ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव, फिर कौन वेरीफाइड किया प्रोडक्शन का हेड, और रिसीव्ड बाय परचेस, फिर ये रिक्विजिशन आप जब दोगे परचेस डिपार्टमेंट को तो परचेस डिपार्टमेंट ये रिक्विजिशन लेगा, पीओ बनेगा और ये पीओ पार्टी को शेयर होगा। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरर जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैन्युफैक्चरर के भी नाम आपको यहाँ बता देता हूँ, यानी कि आता है सिंगानिया टूल्स आता है, ठीक है, बाद में परफेक्ट आता है, कंसेप्ट आता है, ठीक है, पार्ले एलिजाबेथ का आता है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है जिनसे आप पंच बनवा के ऑर्डर कर सकते हो। पंच का आपने ऑर्डर रेज किया है, वो जा चुका है, पार्टी ने उसके पंच बना दिए है और वहां से वो आपको सेंड कर देता है, भेज देता है, ठीक है, भेजने के बाद फिर आपको उस पंचेस को रिसीव किस तरह से करोगे, तो रिसीविंग ऑफ डाइज एंड पंचेस किस तरह से आपको रिसीव और डाइज कर रिसीव पंचेस और डाइज का करना है। ऑफिसर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शैल रिसीव न्यू डाइज पंचेट
प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर एंड शैल बी वेरीफाइड डिटेल्स एज पर द परचेस ऑर्डर। जो पीओ हमने डाला था उसके हिसाब से है कि नहीं वो चेक करेगा। यूजर शैल ट्रांसफर न्यू डायपन सेट टू डायपन रूम टूल रूम इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वहां से उठा के धीरे आहिस्था से, क्योंकि ये हेवी भी होता है, वजन होता है इनका, और कहीं डैमेज होने का भी डर रहता है, इसलिए वहां से उठा के फिर अपने जो पंच टूल रूम है वहां लेके आएगा। आने के बाद सबसे पहले क्या आता है, क्लीनिंग ऑफ न्यूज, जो पंचेस आपने मंगवाए हैं वहां से उनका क्लीनिंग आप कैसे करोगे, क्लीनिंग ऑफ डाइज एंड पंचेस किस तरह से आपको करना है वो यहां दिया है। न्यू डाइज एंड पंचेस शैल बी क्लीन विथ लिंट फ्री क्लॉथ डिप इन 70% IPA सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो 70% IPA सॉल्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 70% IPA ही क्यों यूज करते हैं इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वो आप 70% IPA क्यों लेते हैं वो भी वहां जानकारी आप देख सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ न्यू डाइज एंड पंचेस, क्लीनिंग कर लिया हमने, अभी फिर बाद में आता है इंस्पेक्शन कैसे करना है। ठीक है, सबसे अभी जो अपने यहां है जो इंस्पेक्शन ऑफ न्यू डाइज एंड पंचेस किस तरह से हमको करना होता है, सबसे पहले हमको देखना है अपीयरेंस ऑफ द जो पंचेस एंड डाइज है उनका। यूजर शैल चेक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डाइज एंड पंचेस बाय विजुअल इंस्पेक्शन, दैट इज फॉर रफनेस, शाइनिंग, क्लीनिंग एंड स्टेन फ्रीनेस ऑफ पंच एंड डाइज। सभी जितने भी ऑर्डर्स हमने किए हैं नंबर ऑफ स्टेज पंच सेट, वो हमको एक एक करके उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, रफनेस है क्या, शाइनिंग है क्या, क्लीनिंग प्रॉपर से हुई है कि नहीं, स्टेन्स है क्या कोई, इस तरह से हमको उनको फिजिकल अपीयरेंस के लिए चेक करना है। फिर बाद में आता है एम्बॉसिंग ऑफ पंच, जो पंच है उसका एम्बॉसिंग हमको किस तरह से चेक करना है। क्लोजली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी पंच फॉर देयर स्पेसिफिकेशन विद मैग्नीफाइंग आई ग्लास, जो अपने पास मैग्नीफाइंग आई ग्लास है उससे हमको उनका एम्बॉसिंग चेक करना है। चेक द टिप सरफेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रेक लाइन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ हेजेस, एम्बॉसिंग ऑन पंचेस बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग आई ग्लास। जो आई ग्लास हमने मैग्नीफाइंग आई ग्लास रखा है उसके सहायता से, उसकी मदद से हमको ये सभी चेक करना है, कैसे यूनिफॉर्मिटी है क्या, ब्रेक लाइन में कोई खराबी तो नहीं है, इस तरह से हमको पूरा उसकी मैग्नीफाइंग आई ग्लास के हेल्प से चेक करना है। डायमेंशनल चेक्स ऑफ पंच सेट, टिप साइज, सबसे पहले हमको चेक करना है टिप का साइज। चेक द टिप साइज ऑफ ईच अपर एंड लोअर पंच विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेटेड डिजिटल माइक्रोमीटर फॉर राउंड एंड ऑबलोंग ओवल पंचेस। जो भी पंचेस हमने ऑर्डर किए हैं उनका आपको पहले हमने क्या किया, एम्बॉसिंग फिजिकल अपीयरेंस चेक किया, एम्बॉसिंग चेक की, फिर अभी उसके बाद दोस्तों प्लेस द पंच वर्टिकली इन द पंच होल्ड बुश, जो पंच होल्ड बुश है उसमें आपको पंच रख देना है। प्लेस द पंच टिप इन बिटवीन द टू जॉज ऑफ माइक्रोमीटर, जो मैंने आपको वहां माइक्रोमीटर दिखाया था उस माइक्रोमीटर के जो दो जॉज होते हैं उसके अंदर आपको पंच टिप पकड़नी है और फिर उसका आपको टिप डायमीटर काउंट करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन अनेक्जर फर्स्ट फॉर अपर पंचेस एंड अनेक्जर सेकंड फॉर लोअर पंचेस। अपर के लिए अनेक्जर फर्स्ट है, लोअर के लिए अनेक्जर सेकंड है। टिप साइज शैल नॉट वेरी बाय प्लस 0.00 mm टू माइनस 0.050 mm।
प्लस में नहीं होनी चाहिए। टिप की जो डायमीटर होती है, टिप की साइज होती है, प्लस में अगर हो गई तो डाई बोर में जाएगी नहीं, माइनस हो सकती है, वो भी कितना 0.050 mm। ठीक है, तो ये था। और ये जो डायमेंशन है बहुत ही मतलब कि भाई इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखने की चीज है। दोस्तों ये वीडियोस है, ये बहुत ही टेक्निकली है, आपको इनको समझना होगा और ध्यान में रखना होगा। तो ये प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में हो सकती है। सेकंड आता है टिप और बैरल कॉन्सेंट्रिसिटी। ठीक है, टिप और बैरल की कॉन्सेंट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं। प्लेस ईच पंच हॉरिजेंटली इन वी ब्लॉक विथ सी क्लैंप एंड कीप इट ऑन कंपैरेटर बेंच। पहले आपको कंपैरेटर बेंच लेना है, सी क्लैंप से वी ब्लॉक के ऊपर उसको फिक्स कर देना है। फिक्स द डायल गेज विद द कंपैरेटर स्टैंड। प्लेस द एनविल ऑफ डायल गेज ऑन द टिप ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ पंच। ठीक है, नाउ सेट द गेज रीडिंग ऑन जीरो पोजिशन। जीरो पोजिशन के बाय प्रेसिंग द ओरिजिन बटन सेट द गेज रीडिंग ऑन 2.0 mm। आपको 2 mm पे रीडिंग सेट कर देनी है। लूज द स्क्रू विच इज टाइटनिंग द मूवेबल स्केल ऑफ डायल गेज। सी द स्केल एट 2 mm पोजिशन एट एंड टाइटन द स्क्रू अगेन। 2 mm आपको उसको फिक्स कर देना है। 2 mm इसलिए कि अगर आप 133 या जो आपका पंच का हाइट है 133.6 उतना ही रखोगे तो माइनस वैल्यू कैसे आएगी फिर, है ना। कोई बड़ी आ रही है जैसे 133.6 के ऊपर आएगी या कोई लेस आएगी तो आपको स्पेस होना चाहिए, इसलिए पहले 2 mm का स्पेस बना दिया। ठीक है, नाउ रोटेट द पंच स्मूथली एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन अ गेज। नाउ रोटेट द पंच स्मूथली एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन अ गेज। नाउ पंच शुड डेविएट बाय प्लस 0.02 mm एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स बॉडी सरफेस। तो जो ये पंच की टिप और बैरल कॉन्सेंट्रिसिटी है वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो इस लिमिट में होनी चाहिए। नाउ नो पंच शुड डेविएट मतलब कि प्लस में 0.02 mm से ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल लेंथ। पंच की ओवरऑल लेंथ कैसे चेक करते हैं, इसके लिए है फिक्स द डायल गेज ऑन बेंच कंपैरेटर स्टैंड। फिक्स द पॉइंटर एनविल ऑन डायल गेज। कीप हाइट गेज ऑन कॉम्पैक्टर स्टैंड बिलो एनविल ऑफ डायल गेज। सी द डायल गेज टू जीरो बाय प्रेसिंग जीरो बटन ओरिजिन बटन। ठीक है, तो कॉम्पैक्टर स्टैंड है उसके ऊपर आपको डायल गेज लगाना है, फिर उसको जीरो कर देना है। ठीक है, सेट द स्टैंडर्ड डायल गेज विद द स्टैंडर्ड 133.60 mm बाय प्रेसिंग 2 mm डाउनवर्ड फॉर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मैंने जैसे आपको यहां बताया था कि 133.60 mm आपकी ये पंच की हाइट हो गई, तो उसको मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए आपको 2 mm का गैप रखना है। इसी तरह से आपको डायल गेज सेट कर देना है। सेट द डायल गेज टू जीरो बाय प्रेसिंग ओरिजिन बटन। चेक द ओवरऑल पंच लेंथ बाय कीपिंग द पंच इन इनवर्टेड पोजिशन एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। ठीक है, फिर बाद में आपको इनवर्टेड पोजिशन मतलब कि टिप जो पंच की टिप होती है वो डाउनवर्ड कर देनी है और रीडिंग लेनी है। इफ द डायल गेज रीडिंग शोज जीरो रीडिंग इट मीन्स ओवरऑल लेंथ इज 133.60। अगर समझ लो रीडिंग पे आपके डायल गेज पे 133 पॉइंट या जीरो रीडिंग शो कर रहा है, हमने उस पे पहले सेट कितना किया है 133.60, तो यहां जीरो रीडिंग दिखा रहा है मतलब वो 133.60 है। दूसरा आता है
इफ द डायल गेज रीडिंग शोज निगेटिव, मतलब कि 0.001, 0.02, 0.03, देन वैल्यूज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल ओवरऑल स्टैंडर्ड लेंथ. 100 हमने कितना सेट किया था, 133.60 सेट किया था, तो उससे आपको जितना जितना ये पॉइंट दिखा रहा है उतने उतने माइनस करना है. तो आपकी एक्चुअल ओवरऑल लेंथ आएगी 133.595857 इस तरह से. 1 आएगा तो 1 माइनस करना है, 2 आएगा तो 2 माइनस करना है, 0.03 आएगा तो 0.03 माइनस करना है. इफ द डायल गेज रीडिंग शोज पॉजिटिव, अगर प्लस में आएगा 0.01, 0.02, 0.03 आएगा, तो आपको जो 133.60 हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, यहां है स्टैंडर्ड, तो उसमें आपको प्लस करते जाना है. तो 616263 रिस्पेक्टिवली इस तरह से आपकी ओवरऑल लेंथ आती रहेगी. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर अपर पंच इन एनेक्सर फर्स्ट एंड लोअर पंच इन एनेक्सर सेकंड. तो ये आपको उसमें आपको रिकॉर्डिंग कर देनी है. और उसकी लिमिट है दोस्तों, स्टैंडर्ड लिमिट है ओवरऑल लेंथ की 133.6 प्लस माइनस 0.05 mm. तो ये आपको ध्यान रखनी है. तो ये जो मैंने आपको अनेक्चर दिया था वो भी मैं आपको आगे यहाँ अनेक्चर शो करूंगा कि किस तरह से अपर पंच का अनेक्चर फर्स्ट में रिकॉर्डिंग करना है और लोअर पंच का अनेक्चर सेकंड में रिकॉर्डिंग करना है. नेक्स्ट आता है कप डेप्थ, आपकी जो पंच है उसकी कप डेप्थ किस तरह से हमको निकालनी है. ठीक है, कीप द सेटिंग सेम ऑफ डायल गेज एज पर द डिस्क्राइब इन ओवरऑल लेंथ फ्रॉम द अबो पॉइंट्स. Reverse the punch and move the anvil in the tip cavity and note the reading at maximum level. तो इसमें क्या करना है, आपका जब ओवरऑल लेंथ लेना था तो आपने पंच का टिप डाउन किया था और anvil कहाँ रख रहे थे आप, पंच के हेड फ्लैट पे, है ना. अभी कप डेप्थ निकालना है तो आपको क्या करना है, पंच को उल्टा घुमाना है, मतलब पंच का टिप आपका अप रहेगा और हेड डाउन रहेगा. ये किस में रखना है, पंच होल्डर में. ठीक है, और जो आपका पंच का टिप है इस तरह से, इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है उसमें आपको डायल गेज का एनविल रखना है और डीपेस्ट पॉइंट में जो रीडिंग आएगी वो लेनी है और वो रीडिंग होगी आपका उस पंच का कप डेप्थ. ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट में रीडिंग आएगी वो होगी आपकी पंच की कप डेप्थ. तो किस तरह से लेना है, रिवर्स ऑल द रीडिंग इन अ डायल गेज शैल शो निगेटिव रीडिंग. और ये क्या होगी, सभी आपको निगेटिव रीडिंग शो करेगा. ठीक है, तो इफ द पंच हैविंग ओवरऑल लेंथ 133.60 mm देन कप डेप्थ शुड बी सेम एज इट इज इन द डायल गेज. ठीक है, इफ द पंच हैविंग द ओवरऑल लेंथ लोअर देन द स्टैंडर्ड एज 133.59, 133.5857 देन एक्चुअल कप डेप्थ शुड बी ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग. आपने 133.60 पे सेट किया है, अगर उतना ही आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा. तो आपको जैसे इतनी रीडिंग आ गई 59, तो क्या आ रहा है फिर आपका 0.01 mm, ये आपकी कप डेप्थ हो गई, यहाँ 0.2 हो गया, 0.3 हो गया इस तरह से. इफ द पंच हैविंग ओवरऑल लेंथ हायर फ्रॉम स्टैंडर्ड. ठीक है, अगर ओवरऑल लेंथ ज्यादा है, जो 133.6 है उससे ज्यादा है, इतनी आ रही है आपकी रीडिंग समझ लो डायल गेज पे, देन आपको डिडक्ट करना है. तो कप डेप्थ शुड बी ऑब्टेन्ड बाय, ये ज्यादा आ रही है तो आपको एड करना है, मतलब कप डेप्थ शुड बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 0.001, 0.02, ठीक है, 0.03. इस तरह से आपको कप डेप्थ निकाल देनी है. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ अपर पंच इन एनेक्सर फर्स्ट एंड लोअर पंच इन एनेक्सर सेकंड. स्टैंडर्ड लिमिट, इसका जो कप डेप्थ का स्टैंडर्ड लिमिट है, कप डेप्थ शुड नॉट वेरी बाय प्लस माइनस 0.07 mm.
तो कप डिप जो है 0.07 mm से वैरी नहीं करनी चाहिए। तो ये था कप डिप का। अगला है दोस्तों वर्किंग लेंथ। तो ये पंच की वर्किंग लेंथ आपको किस तरह से निकालनी है। ठीक है, वर्किंग लेंथ जो है आपको देखो, वर्किंग लेंथ इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग कप डिप फ्रॉम द ओवरऑल लेंथ ऑफ पंचेस एंड नोट्स द रीडिंग। मतलब आपका जो पंच का ओवरऑल लेंथ है 133.60, उससे आपको कप डेप्थ माइनस कर देनी है तो आपकी आएगी वर्किंग लेंथ। और रिकॉर्ड करना है अनेक्जर फर्स्ट अपर पंच में और अनेक्जर सेकंड है लोअर पंच की रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं यहां आपको जो अनेक्जर्स बनाया हुआ है वो भी यहां दिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, अनेक्जर बनाया हुआ है। अनेक्जर फर्स्ट है अपर पंच इंस्पेक्शन स्लैश री इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। पंच स्पेसिफिकेशन जो उसका डायमेंशन होगा ये लिखना है। डेट ऑफ इंस्पेक्शन, किस डेट में आप इंस्पेक्शन कर रहे हो वो लिख देना है। स्टैंडर्ड हाइट गेज लेंथ यहां लिख देनी है, 133.60 होती है। पंच सेट आईडी यहां लिख देना है। सीरियल नंबर आपके पंचेस का इधर आएगा। अपीयरेंस यहां आएगा, ठीक है। एम्बॉसिंग टिप डायमेंशन यहाँ आएगी। ओवरऑल लेंथ यहाँ आएगा। कप डेप्थ यहाँ आएगी आपकी। वर्किंग लेंथ मतलब कि जो ओवरऑल लेंथ से आप कप डेप्थ माइनस करोगे तो आपकी वर्किंग लेंथ यहाँ आ जाएगी। गो स्लैश नो गो, जो गो नो गो गेज है उससे आपको पंच का हेड जो है पास करके देखना है। गो में जाना चाहिए, नो गो गेज में नहीं जाना चाहिए। और फिर बाद में यहाँ टिप कॉन्सेंट्रिसिटी लिख देनी है। तो ये था अनेक्जर फर्स्ट फॉर अपर पंच के लिए। अनेक्जर सेकंड है लोअर पंच इंस्पेक्शन री इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। उसी तरह पंच इंस्पेक्शन है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन है, स्पेसिफिकेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड हाइज गेज लेंथ दी है, पंच सेट दी है और बाकी सेम रहेगा। बस इसमें लोअर पंच का लिख देना है और इसमें अपर पंच का लिख देना है। स्टैंडर्ड लिमिट है वर्किंग लेंथ शुड नॉट वेरी बाय। देखो वर्किंग लेंथ का भी यहां लिमिट दिया है और वो है शुड नॉट वेरी बाय प्लस माइनस 0.03 mm। स्टैंडर्ड लिमिट है वर्किंग लेंथ की और वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 0.03 mm से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पंचेस का। और इसमें मैंने आपको इश्वंस से लेकर इंस्पेक्शन तक दिखा दिया हूं। ये वीडियो की लेंथ अप्रोक्स 30 मिनट्स के आसपास हो जाएगी। तो इसका दूसरा पार्ट मैं आपको अगला पार्ट्स में वीडियो का, इसी जो अगला बचा हुआ पार्ट्स है वो पार्ट 2 में लूंगा। तो इसमें आपके कोई डाउट्स है तो बिंदास्त दोस्तों बिना हिचकिचाए प्लीज कॉमेंट्स कर देना आपके डाउट्स। कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो डाउट्स है उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और उसका आंसर देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक ठोक देना यार, पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मैं अगला जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और पता चले कि राम फास के क्या कर रहा है, कौन सी वीडियो डाल रहा है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।